हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज फिर एक सैम्पल पेपर पर डिस्कशन करने वाले हैं जो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इक्वली रिलेवेंट है। किसी भी यूनिवर्सिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये बेसिकली रिलेटेड है लॉ से, टैक्स से, अकाउंट से, तो हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड CUET MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑलरेडी टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, तो जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर खुद को एनरोल करा लें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस वो क्वेश्चंस की कर पाए। आज की क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमने इसके पहले भी एक सैम्पल पेपर अभी रिसेंटली अपलोड किया था, वहाँ भी वही क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन फिक्स करता है? वो फिक्स करता है रजिस्ट्रार। और जनरली बाकी जो बैंक्स होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट कौन फिक्स करता है? RBI। होता क्या है कि सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक लोन लेता है, और कमर्शियल बैंक जिस रेट पे उसको लोन मिलता है उसको हम कहते हैं बैंक रेट, और फिर कमर्शियल बैंक ना इसी बैंक रेट पे डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच सेक्टर इज मेनली सर्व्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया? फार्मिंग। नेक्स्ट, वन मैन वन वोट प्रिंसिपल वॉज रिकमेंडेड बाय विच कमिटी? करेक्ट आंसर होगा 2 MacLagan। नेक्स्ट, द फर्स्ट मार्केटिंग कोऑपरेटिव वॉज ऑर्गेनाइज एट डैश इन द फॉर्मर बॉम्बे प्रोविजन्स इन 1915। करेक्ट आंसर होगा 1st हुबली। द प्रोसेस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज एट प्राइमरी लेवल आइदर बाय द amalgamation ऑफ टू और मोर सोसाइटीज कैरिंग आउट द सेम बिजनेस और बाय द incorporation ऑफ सेवरल functions इन वन सोसाइटी इज नोन एज horizontal इंटीग्रेशन, लिंकअप सिस्टम, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ऑल ऑफ दीज। अब क्योंकि देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सेम बिजनेस की बात कर रहा है, तो सेम बिजनेस कहाँ था? horizontal इंटीग्रेशन में। हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन पे डिटेल सेशंस अपलोड किए हुए हैं जहां पे डिटेल हर एक टॉपिक को डिस्कस किया विथ एग्जांपल। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग को हम और किसके नाम से जानते हैं? नो डाउट वेरिएबल कॉस्टिंग। रेगुलर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो आपका खर्चा है, वो आप कहाँ दिखाते हो? PL अकाउंट में। कैपिटलाइज तो नहीं होगा, कैपिटलाइज तब होता जब उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता। पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, राइटिंग ऑफ टू कॉस्टिंग PL, पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। करेक्ट आंसर होगा 1st राइटिंग ऑफ टू कॉस्टिंग PL। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विच इट सेल्स फॉर ₹10 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आर ₹48,000 पर मंथ एंड द प्रोडक्ट हैज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। मतलब ये क्या दिया हुआ है? PV रेशियो दिया है। बेसिकली PV रेशियो किसको डिनोट करता है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और क्वेश्चन में भी देखो यही लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ये कितना है? 40%। इन अ पीरियड वेन एक्चुअल सेल्स वर ₹1,40,000, सन लिमिटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज। अब यहाँ देखो हम लोगों को पता है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो क्या होता है? बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स, जितनी भी सेल्स होती है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, बेसिकली उस पर हमें प्रॉफिट होता है। तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, हमारे पास एक्चुअल सेल्स दिया है, अगर हम ब्रेक इवन सेल्स निकालें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। और ब्रेक इवन सेल्स हम यहाँ बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं इन रुपीज। कैसे निकालेंगे? सिंपली फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। हमारे पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 48,000 और PV रेशियो दिया हुआ है 40%, तो इसको डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी ₹1,20,000। क्लियर? तो देखो एक्चुअल सेल कितना है? 1,40,000, और ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? 1,20,000। तो नो डाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल कितनी हो गई? 20,000। बट क्या क्वेश्चन में हमसे इन रुपीज पूछा था? नहीं, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सन लिमिटेड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट वॉज। तो यूनिट में अगर पूछा है तो सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास पर यूनिट सेल्स प्राइस दी हुई है, डिवाइड कर देंगे, सीधे सीधे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000 यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए 2000। नेक्स्ट, द ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट एट विच, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा द लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच द बिजनेस मेक्स नाइदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। नेक्स्ट,
डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है कि जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और ये डिक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, मतलब नॉर्मल यूज़ की वजह से होती है, या ऑप्सलेंस हो जाती है टेक्नोलॉजी की, फ्लक्चुएशन ऑफ टाइम, टाइम बीतने की वजह से होती है। क्लियर? ऑप्शन देखो लिखा है मेजर ऑफ कंजम्पशन ऑफ असेट्स, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड नॉट ऑफ वैल्यूएशन, वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज एंड ऑफ एंड और लैप्स ऑफ टाइम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि बेसिकली डेप्रिसिएशन एक तरह का अलोकेशन है, वैल्यूएशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को अलोकेट करता है थोड़ा थोड़ा करके हर साल। नेक्स्ट, बैच कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर फार्मा इंडस्ट्री। नेक्स्ट, कॉस्ट यूनिट्स ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री इज एज पर गिवन ऑप्शन पेशेंट डे। नेक्स्ट, पीवीसी कंपनी हैज ऑर्डरिंग यूनिट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब ईओक्यू दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, दे हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट्स, द एवरेज इन्वेंट्री वुड बी। अब देखो जो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है एक विद द हेल्प ऑफ ईओक्यू, सीधे सीधे क्या करेंगे कि जितना हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगवाया है उसका आधा हम होल्ड करके रखते हैं। तो हमारे पास एवरेज हमारे पास ईओक्यू कितना है? 10,000 डिवाइडेड बाई 2, तो सीधे एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 5,000 यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, अब चाहे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हो चाहे ऑर्डर क्वांटिटी हो, ये दोनों ही एक तो कैरिंग कॉस्ट पे डिपेंड करती है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। क्लियर? तो ऑप्शन देखो मटेरियल लेबर, सेटअप कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कैरिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग लेबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड विद एंड क्रेडिटेड विद। अब देखो सिंपली क्या होता है कि जब हम लोग स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, जा करके वेरिफिकेशन करते हैं ना, तो कभी क्या होता है कि स्टॉक बढ़ करके दिख रहा होता है, कभी स्टॉक घट करके दिख रहा होता है। अगर इक्वल दिख रहा है तब तो वेल एंड गुड है, बट अगर मान लो होना चाहिए था 10,000 तो कभी वो 11,000 दिखता है, कभी वो 9,000 दिखता है। ठीक? तो अगर ये शॉर्टेज दिख रही है स्टॉक की तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करके बढ़ा देंगे। अगर एक्सेस स्टॉक दिख रहा है तो उस केस में क्या करते हैं? क्रेडिट करके डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर? तो दो ही चीज़ होती है, चाहे तो सरप्लस ऑफ स्टॉक दिखेगा चाहे शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, बट डेबिट किसको करोगे? शॉर्टेज ऑफ स्टॉक को, और क्रेडिट किसको करोगे? सरप्लस ऑफ स्टॉक को। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, ये हमेशा क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1st। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट, गैट टुक इफेक्ट ऑन 1st January 1948 व्हेन 1 unit ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इट इज नोन एज। जब आप एक करेंसी को, एक फॉरेन करेंसी को एक्सप्रेस करते हो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में, मतलब जैसे मान लो डॉलर को हम कन्वर्ट करें रुपीज में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोटेशन। नेक्स्ट, विच एजेंसी वो सेटअप टू बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, FIPB, बेसिकली इसका फुल फॉर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन टू इरेक्ट ट्रेड बैरियर्स, इनकरेज लोकल प्रोडक्शन, प्रमोट इम्पोर्ट एक्टिविटी, प्रमोट लोकल जॉब्स, रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन करेंसीज। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? ट्रेड बैरियर से रिलेटेड पूछा है, तो ट्रेड बैरियर्स इरेक्ट करने का जो रीजन है वो प्रमोट इम्पोर्ट एक्टिविटी नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट इंडिकेट्स दैट द बैंक विल पे द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू द एक्सपोर्टर, ये तो करेक्ट है। बिल ऑफ लैडिंग इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट और अ डॉक्यूमेंट, नो, बिल ऑफ लैडिंग बेसिकली क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कैरियर इशू करता है किसको? शिपर को, जिसमें ये बताता है ना कि किस तरह का गुड्स वो भेज रहा है, कितनी क्वांटिटी है, क्या डेस्टिनेशन होगी एंड सो ऑन। एन एक्सचेंज डॉक्यूमेंट नीडेड बाय द कस्टम ऑफिशियल्स फॉर ग्रांटिंग परमिशन फॉर शिपमेंट इज नोन एज मेट रिसीट, नो। अगर मेट रिसीट की बात करें तो ये एक ऐसी रिसीट है जो कि शिप का ऑफिसर इशू करता है जब शिप या कार्गो लोडेड होती है ऑन बोर्ड, और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहती है कि वेसल का क्या नाम है, बर्थ का क्या नाम है, किस दिन हम शिपमेंट करेंगे, क्या उसमें पैकेजेस हैं एंड सो ऑन।
एंड लास्ट है आफ्टर द गुड्स आर लोडेड द कैप्टन ऑफ द शिप फर्निशेज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ शिपिंग बिल. अगेन नो, अगर शिपिंग बिल की बात करें तो ये मेन डॉक्यूमेंट है जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट की परमिशन दिलाता है. क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? 1. नेक्स्ट, गिवन बिलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स आर एसेंशियली दोज इंस्ट्रूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स क्रिएटेड बाय द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक आउटसाइड इंडिया एंड आर ट्रेडेड ग्लोबली. येस. External commercial borrowings used during international trade includes commercial bank loans, buyer's credit, supplier's credit, floating rate notes, etc. तो करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों की ही डेफिनेशन करेक्ट है. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट, टैरिफ बेसिकली क्या होता है? टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स. नेक्स्ट, A company using high price and high promotion policies adopting the following strategy, rapid skimming, ये हमने अपने last sample paper में भी discuss किया था. Which of the following is not a step in product life cycle? Introduction है, maturity है, decline है, but resistance नहीं है. Next, which of the following refers to a large retail establishment that handles a wide variety of merchandise grouped into well-defined departments for the purpose of promotion, service, accounting, control? Correct answer होगा departmental stores. The term marketing mix describes, ये क्या डिस्क्राइब करता है? A blending of strategic elements to specify specific target market. Next, the relationship marketing firms focuses on dash relationships with dash. तो सिंपली जब भी हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं, इनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे होता है, ना कि शॉर्ट टर्म पे. एंड ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो किसके साथ बनाना चाहते हैं? विद सप्लायर्स. तो करेक्ट आंसर होगा 2. Next, which of the following statement is correct? Marketing is a term used to refer only to the sales function within a firm. Marketing managers does not usually get involved in production or distribution decision, balki inka involvement hota hai. Marketing is an activity that considers only the needs of the organization, not the needs of society as a whole. Incorrect hai ye statements. Last statement diya, marketing is the activity, set of institutions, process for creating, communicating, delivering and exchanging offers that have value for customers, clients, partners and society at large. जब भी marketing की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा वो focus करती है company पे, उतना ही ज़्यादा वो focus करती है society पे भी. तो correct answer होगा 4. Next, which among the following is not a method for determining correlation? Correlation हमने अपने second channel CA Kajal Tirolia पे already detail discuss किया है. Coefficient of concurrent deviation method है, Spearman rank correlation method है, scatter diagram भी है, but coefficient of determination method नहीं है. तो correct answer होगा 3. Next, an assumption or a statement about a population parameter which may or may not be found valid on verification is known as hypothesis. Next, the method used to test the discrepancies between observed and expected frequencies, goodness or fit is known as. अब डिफरेंस किसके किसके बीच में पूछा? ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बीच में. और ये किस टेस्ट की बात कर रहा है? ची स्क्वायर टेस्ट. नेक्स्ट, व्हेन द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड्स और प्रिवेंट्स द हैपनिंग ऑफ अनदर एट द सेम टाइम. मतलब अगर एक इवेंट की हैपनिंग होगी तो दूसरे की नहीं होगी, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. नेक्स्ट, Pearson's coefficient of correlation includes which of the following properties? अब देखो, हमने correlation पे already discussion किया है, अब हमने बताया है कि ना तो ये origins affect होता है, ना ये scales affect होता है, सिर्फ scale की signs affect होता है. तो as per given option correct answer, इसका correct answer होगा 4. Both, it is independent of the changes in origin as well as independent of changes in scale. Next, which of the following statement is are correct? देख लेते हैं. Absolute measures are dependent on the unit of the variable under consideration, whereas the relative measures of dispersion are unit free. ये हम बताए भी हैं कि अगर हम लोग जैसे measure of dispersion में हमने देखा था कि अगर range है तब तो वो units को consider करेगा, but अगर coefficient of range है तो value हमेशा point में आएगी और वो unit free होता है. तो ये जो range है इसको हम लोग क्या कहते हैं? Absolute measure. और coefficient को हमेशा कहते हैं relative measure. तो first option ही correct है. बाकी भी देख लेते हैं. फॉर कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सोल्यूट मेजर्स आर यूज्ड रादर देन रिलेटिव मेजर. नो, हम लोग किसको यूज़ करते हैं? कोएफिशिएंट को यूज़ करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट मेजर्स को. एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू कंप्यूट एट टाइम्स. डिफिकल्ट होता है बट इम्पॉसिबल नहीं होता है, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट, इन मेजर ऑफ स्क्यूनेस द एब्सोल्यूट स्क्यूनेस इज इक्वल टू. एब्सोल्यूट स्क्यूनेस किसके बराबर होती है? मीन माइनस मोड के. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट,
हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू अ प्रॉमिसरी नोट? प्रॉमिसरी नोट में दो होता है, एक ड्रॉ और एक ड्रॉई, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पूछता है तो तीन होता है, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट टू पार्टीज। नेक्स्ट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे MCQ सेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एज वेल एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, गिविंग अप ऑफ राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज जब आप कॉन्ट्रैक्ट के विद इन अपना राइट वेव ऑफ कर देते हो, छोड़ देते हो, तो उसको हम कहते हैं वेवर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, वेवर। नेक्स्ट, डैश इज मेड बाय वर्ड्स स्पोकन। अगर आप बोल करके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और अगर आप साइलेंटली बनाते हो तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है कि जिसमें कुछ भी लॉफुल ना हो, दो लोगों ने अग्रीमेंट किया स्मगलिंग के बिजनेस को करने के लिए, तो ये क्या है, अनलॉफुल है। और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कासी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप बनाना नहीं चाहते फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये सब कुछ हमने अपने डिस्कशन सेशन क्लास में, MCQ सेशन क्लास में बताया हुआ है। द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, अ चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर कैन बी इफेक्टेड बाय। अगर आपको ऐसा करना है तो सिंपली आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा EGM में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग में, एंड CLB दैट इज कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से भी कन्फर्मेशन लेना होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, इनको कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन बट विद एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। देखो लॉफुल कंसिडरेशन तो वैलिड है बट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो ये पूरा अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप एंड दस डज नॉट रेज द प्रेजम्पशन ऑफ अंडी इन्फ्लुएंस। अंडी इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है, जहाँ दो लोगों में से एक सुपीरियर हो, जहाँ ऐसा रिलेशन हो कि एक को दूसरे की बात माननी पड़े, मतलब एक ऐसे रिलेशन में होना चाहिए कि वो दूसरे को डोमिनेट कर सके, ठीक। जैसे डेटर क्रेटर का रिलेशन हो गया, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन हो गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया। ऑप्शन देखो पेरेंट चाइल्ड, ये होता है ना, हम लोग के पेरेंट्स हम लोग को जो भी बोले, हम लोग चाहे ना चाहे हम लोग को मानना पड़ेगा। ट्रस्टी बेनिफिशियरी, लैंडलॉर्ड टेनेंट। नेक्स्ट, वुमेन एंड हर कॉन्फिडेंशियल मैनेजिंग एजेंट। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3rd, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की बात करें तो टेनेंट पे वो अंडू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपली वो क्या करेगा कि वो फ्लैट खाली करके चला जाएगा, तो यहाँ कोई अंडू इन्फ्लुएंस नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट, रोबोट मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाइल नेगोशिएटिंग द सेल ऑफ हिज कार, दिस इज द शार्पेस्ट कार ऑन द मार्केट। ये बेसिकली क्या है, अ काइंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। उसका फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं है बट ये कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन बी प्रिफर्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिवॉल्व अराउंड। अब अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें, इनका पूरा फोकस होता है नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके नेचर पे इनका फोकस होता है। करेक्ट आंसर होगा 1st। नेक्स्ट, द हॉथोर्न स्टडीज आर ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस एज दे फॉर्म एन ऑनेस्ट एंड कंसर्टेड अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन फैक्टर, एम्प्लॉय एटीट्यूड्स, वर्कर सोशल सिचुएशन। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। द फिलॉसफी दैट गाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन्स पॉलिसीज टूवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नेक्स्ट, वर्क एटीट्यूड्स कैन बी रिफ्लेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू बोथ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड बाय ग्रुप वर्क, येस, डिविजन ऑफ लेबर, येस, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। करेक्ट आंसर होगा 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, हैंडलिंग ऑफ क्राइसिस बाय मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज रिवील्स एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नेक्स्ट, द डैश टीम्स आर कंसर्न विद रोटेटिंग टास्क एंड असाइनमेंट्स अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। सेल्फ मैनेज्ड, जो सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं वही टास्क और असाइनमेंट रोटेट करती हैं किनके बीच में, अपने ही लोगों के बीच में। नेक्स्ट, इफ टाटा कंपनी इम्पोर्ट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अब्रॉड देन विच टैक्स विल बी लेविड ऑन इट, कस्टम ड्यूटी। क्योंकि बेसिकली कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे। द रिजल्ट ऑफ बैंक वायरिंग रूम स्टडी डन अंडर द हॉथोर्न स्टडीज वेयर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इमर्ज एज अ टीम, द ग्रुप इज इंडिफरेंट टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, द ग्रुप नॉर्म्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंबर्स। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट,
द लीस्ट विजिबल एंड डीपेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज शेयर्ड अजम्पशंस. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप्स बिटवीन विच थ्री फैक्टर्स. तीन फैक्टर्स होता है, एक होता है एक्सपेक्टेंसी, एक होता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी और तीसरा होता है वैलेंस. ठीक है, तो एक्सपेक्टेंसी मतलब हम बात करें एफर्ट की, और एफर्ट से क्या अराइज होता है, परफॉर्मेंस. वैसे ही इंस्ट्रूमेंटेलिटी से जो परफॉर्मेंस है उसको हम कन्वर्ट करते हैं आउटकम में, एंड वैलेंस ये आउटकम को कन्वर्ट करता है रिवॉर्ड में, क्लियर, दैट इज नीड्स में. तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशंस, नो डाउट ह्यूमन माइंड. नेक्स्ट, HRP का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया फॉर विच एप्लीकेंट्स कैन बी रिक्रूटेड, लेबर मार्केट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स अ पर्सन्स ओपिनियंस नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2, कॉग्निटिव कंपोनेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एम्फसाइजेस इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स ऑन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, साइंटिफिक अप्रोच, रैशनल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. नेक्स्ट, फाइनेंशियल लीवरेज इज कैलकुलेटेड एज, नो डाउट इसका फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, दैट इज EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्लियर, जो कि देखो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है. और हमने फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज सब पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अपने बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर में, तो वो लेक्चर्स आप ज़रूर से कवर कर लेना. हमने सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, साथ ही साथ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी क्लासेस अपलोड कर दी हैं, ग्रुप्स पे भी अपलोड कर दी हैं, टेस्ट सीरीज ग्रुप्स पे भी अपलोड कर दी हैं. नेक्स्ट, द बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, अब इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्शन में इंक्वायरी भी आएगा, एक्सपोजिशन भी आएगा, जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. बेसिकली चार तरह के इंटरेक्शन होते हैं और चारों इंटरेक्शन यहाँ इंक्लूड किया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3. करेक्ट आंसर होगा 3, बोथ इंक्वायरी एंड एक्सपोजिशन एंड जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. नेक्स्ट, रिटेंशन रेट्स वैरी वेरी कंसिडरेबल. अब रिटेंशन रेट्स की बात करें मतलब जो हमारे लेबर्स हैं उनको रखने की बात हो रही है कि उनको रिटेन करना, यहाँ बेसिकली लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि लेबर को रिटेन करने का जो रेट है वो बहुत वैरी करता है किनके बीच में, इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट, देर इज़ अ डिट्रॉयरेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड, वॉट डज इट रिफर टू. अगर डिट्रॉयरेशन हो रहा है वर्किंग कैपिटल में, इसका मतलब करंट एसेट डिक्रीज हो रहा होगा या करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी. और एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3, दैट डेटर्स कलेक्शन पीरियड हैज इंक्रीज. जैसे डेटर कलेक्शन पीरियड इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है कि कैश इनफ्लो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. रीजन बींग, अगर डेटर से पैसा मिलता तो नो डाउट डेटर्स डिक्रीज हो जाते और कैश इंक्रीज होता, क्लियर. तो करेक्ट ऑप्शन होगा 3. नेक्स्ट, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर डिनोट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आते हैं, एज वेल एज डिबेंचर होल्डर्स भी आते हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सेम. नो, अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तो NOI अप्रोच में बेसिकली हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे तो ये बिजनेस रिस्क पे डिपेंड करता है और बिजनेस रिस्क में कोई चेंज नहीं आता है डेट इक्विटी मिक्स के चेंज से, क्लियर. तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा इन द केस ऑफ NOI अप्रोच. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट डेस्क ALM की, यहाँ पे ALM का प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है, तो बेसिकली इनका प्राइमरी फंक्शन है मैनेज करना इंटरेस्ट रेट रिस्क को एज वेल एज लिक्विडिटी रिस्क को, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है. नेक्स्ट, फंड्स हेल्ड बाय बैंक्स फॉर कैश मैनेजमेंट पर्पस, कैश मैनेजमेंट पर्पस के लिए जो भी फंड्स आप हेल्ड करते हो उनको हमेशा क्या कहते हैं, एक्सेस रिजर्व. तो करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट, द रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज समराइज इन द नो डाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बेसिकली इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू राइज इन प्राइस लेवल. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इंडेक्स सच एज द CPI. क्वेश्चन नंबर 75, द रीजन वाई द फाइनेंशियल सिस्टम इंटेल्स सम एक्सटर्नलिटीज इज बिकॉज. अब ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा.
सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 76, इसका भी आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देना कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, एंड जो भी आंसर है उसका एक एक्सप्लेनेशन भी बताना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग ऑन हॉलीडे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, द मनी यू स्पेंट ऑन थिएटर शो, द मनी यू कुड हैव मेड इफ यू हैड स्टेड एट होम एंड वर्क, द मनी यू स्पेंट ऑन एयरलाइन टिकट्स, द मनी यू स्पेंट फूड. आप देखो, अगर हम लोग हॉलीडे पे जाते तो भी हमारा फूड पे खर्चा हो रहा है, नहीं जाते तो भी फूड पे खर्चा हो रहा है. तो ये जो एक्सपेंस है ना, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानते. बट बाकी देखो, क्योंकि आप हॉलीडे पे गए इसीलिए आपका थिएटर शो का खर्चा हुआ, एयरलाइन टिकट का खर्चा हुआ, और अगर वो खर्चा नहीं करते तो आप घर पे रह करके वो पैसा बचा सकते थे. तो ये क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए कैलकुलेशन में काम आएगा. बट A4, बट फोर्थ पॉइंट काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर फूड की बात करें तो वो तो हर केस में ही हम कंज्यूम करते. नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के बराबर है तो उस केस में जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है और क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या होगा, इक्वल होगा. क्योंकि देखो क्वेश्चन में सिंपली क्या कह रहा है कि लेट्स से ये मेरी प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ये डिमांड कब है, ये सप्लाई कब है. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये यही इक्विलिब्रियम प्राइस है और यही प्राइस भी है. तो सिंपली इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या होता है कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होता है एंड हमारा प्राइस भी अनचेंज रहता है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 2. नेक्स्ट, अ कंजेस्टेड टोल रोड इज फॉर अ प्राइवेट गुड. नेक्स्ट, द बर्डन ऑफ अ टैक्स फॉल्स मोर हेविली ऑन द सेलर्स इन अ मार्केट व्हेन. करेक्ट आंसर होगा 3, डिमांड इज इनइलास्टिक एंड सप्लाई इज इलास्टिक. नेक्स्ट, If the long run market supply curve for a good is perfectly elastic, an increase in the demand for that good will in the long run cause. अब क्योंकि देखो long run market supply में कह रहा है कि जो market supply curve है वो कैसा है, perfectly elastic, और जो demand है वो increase हो रही है good की, तब उस case में no doubt जो हमारा price है good का उसमें तो कोई change नहीं आएगा, वो increase नहीं होगा. But क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है इसलिए नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बढ़ जाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 1, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट बट नो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड. क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि जो सप्लाई कर्व है फॉर अ गुड वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक मतलब ये हो गया, ये सप्लाई कर्व है एंड मान लेते हैं कि ये डिमांड कर्व है, तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर डिमांड गुड्स की इंक्रीज होगी तो उस केस में नो डाउट देखो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. क्यों, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज होगी. क्लियर, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट, एडम स्मिथ्स इनविजिबल हैंड कंसेप्ट सजेस्ट दैट अ कॉम्पिटिटिव मार्केट आउटकम मैक्सिमाइजेस टोटल सरप्लस. नेक्स्ट, इफ ऑल फर्म्स इन अ मार्केट हैव आइडेंटिकल कॉस्ट स्ट्रक्चर्स and if inputs used in the production of the good in that market are readily available, then the long run market supply curve for that good should be perfectly elastic. Next, the word company is derived from the Latin word. Next, the issue of capital disclosure requirement, that is ICDR ki baat kar raha hai, to ye 2009 mein, ye regulation basically 2009 ka hai. Next, इट इज़ एन इशू ऑफ कैपिटल टू बी ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक तो कंपनी राइट शेयर्स देती है और एक देती है बोनस शेयर्स. बस ये कि बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है और राइट शेयर के लिए शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ता है. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3, राइट शेयर्स. इनसॉल्वेंसी इज द इनएबिलिटी ऑफ अ डैश टू पे देयर डेट. जो डेटर्स होते हैं वो अपना डेट नहीं पे कर पाते हैं इनसॉल्वेंसी के केस में, तो करेक्ट आंसर होगा 2, डेटर. नेक्स्ट, कंपनी शैल क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ DRR. हमेशा क्रिएट होता है उस प्रॉफिट से जो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है. क्लियर, तो जो हमारा फाइनल डिविडेंड होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये किसके लिए होता है, फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो करेक्ट आंसर होगा 4, PAT. नेक्स्ट, डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट लीगली कन्वेइंग प्रॉपर्टी टू. ये बेसिकली कंपनी इशू करती है उनको, ये बेसिकली कंपनी इशू करती है डिबेंचर ट्रस्टी को, सो दैट अगर ये उनके पास रहता है ना तो एटलीस्ट उनका जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी सिक्योरिटी होती है. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3, ट्रस्टी. अकॉर्डिंग सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ, नो डाउट डिविडेंड के पेमेंट के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट,
What is the abbreviation of PLA in Central Excise and Tariff Act? Personal Ledger Account. Next, Doctrine of Unjust Enrichment is a concept relating to, ये basically एक ऐसा concept है जो कि indirect tax में refund के लिए बना है. Clear? तो as per given option, correct answer होगा refund of excise duty और अगर GST दिया होता तो refund of GST. GST implementation no doubt कब हुआ था? 1st July 2017. Example of indirect tax इसमें से कौन सा है? Custom duty. ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल मे सेटिस्फाइड. अब देखो, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन सेशन अपलोड किया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हमारे ग्रुप पे मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज के एंड टेस्ट सीरीज से रिलेटेड ग्रुप में भी मिल जाएगी. वहाँ हमने बताया भी है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट को बेसिक कंडीशन भी फुलफिल करनी होती है एज वेल एज एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल करनी होती है. मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स किस पे चार्ज होता है? बुक प्रॉफिट पे. असेसमेंट ईयर हमेशा स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड होता है मार्च में. करंट रेशियो ऑफ लेस देन वन मीन्स, अब देखो करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. अगर ये मोर देन वन है मतलब करंट एसेट ज़्यादा होगा करंट लायबिलिटी से, और लेस देन वन है मतलब करंट एसेट लेस होगा करंट लायबिलिटी से. क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा थर्ड. सिंपली देख भी सकते हैं, अगर मान लो हमारा करंट एसेट 40,000 है और करंट लायबिलिटी 20,000 है तो सीधे आया 2 मतलब मोर देन 1. और अगर मान लेते हैं कि करंट एसेट 20,000 है और करंट लायबिलिटी 40,000 है तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.450, दैट इज लेस देन 1. तो लेस देन 1 मतलब करंट लायबिलिटी बड़ा होगा किससे? करंट एसेट से. नेक्स्ट, द टर्म ईवीए इज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद. अब इन्वेंट्री टर्नओवर बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? COGS और सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो रिलेशनशिप चाहे आप COGS के साथ देख लो चाहे सेल्स के साथ, बट ये सेल्स है, एवरेज सेल्स नहीं है. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2, COGS. अब जो दो क्वेश्चन हमने आप लोगों को डिस्कस करने बोला है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना. अगर आज के किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो. अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.